नमस्कार, टेक्निकल अशोका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक अपडेट बताने जा रहा हूं जो कि व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप ने 18 लाख अकाउंट्स किए बंद, कहीं इसमें आपका नंबर तो नहीं है? आईटी एक्ट के अनुसार 2021 के अनुसार व्हाट्सएप ने जनवरी 2022 के लिए अपनी 8वीं मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करी है। जैसा कि नई मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि व्हाट्सएप ने जनवरी में 18 लाख से अधिक अकाउंट्स जो कि भारतीय हैं उनका बैन किया है, बंद कर दिया है। व्हाट्सएप ने अपनी यूजर्स की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। कंपनी ने कई यूजर्स के खिलाफ लिया है लीगल एक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पर हमारा चैनल है टेक्निकल अशोका, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो पहुंचे आप तक पहले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करें पूरी वीडियो को देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये व्हाट्सएप का अपडेट है, आपको समझ में आएगा। और क्या है व्हाट्सएप का अपडेट, हम आपको बताने जा रहे हैं। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा है कि उसने नई आईटी एक्ट 2021 के अनुपालन में जनवरी के महीने में भारत में लगभग 18 लाख 58 हजार खराब अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनवरी महीने में लिया गया है बहुत बड़ा व्हाट्सएप द्वारा एक्शन। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि इस देश में एक महीने में 495 शिकायत मिली है और उनमें से 24 जनवरी पर से कार्रवाई की गई है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने यह भी अपने बयान में कहा है कि आईटी एक्ट 2021 के अनुसार हमने जनवरी 2022 के लिए अपनी 8वीं मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करी है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि नई मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि व्हाट्सएप ने जनवरी में 18 लाख से अधिक अकाउंट्स को बैन किया है। कंपनी ने कहा है कि डाटा में व्हाट्सएप द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच दुरुपयोग का पता लगाने के दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रतिबंधित भारतीय खातों की संख्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें एक रिपोर्ट फीचर्स के माध्यम से उपयोगकर्ता से प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रिया आगे बढ़ने के लिए की गई कार्रवाई भी शामिल है। कंपनी ने यूजर्स के लिए उठाया है ये बहुत कठिन कदम। कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से हमने अपने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी डाटा वैज्ञानिक और विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में लगातार निवेश किया है। हम आपको यहां यह भी बताना चाहते हैं कि यानी मेटा यानी पहले में फेसबुक नाम जो था ने जनवरी में फेसबुक के लिए 13 नीतियों में से 1.16 यानी वह 1.16 करोड़ से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम के लिए 12 नीतियों में से 32 लाख से अधिक सामग्री को हटा दिया है और नई आईटी एक्ट 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स के साथ बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट में प्रकाशित करनी होगी। यह कंपनी का एक प्रोसीजर है जिसको पालन करना होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने व्हाट्सएप के इस अपडेट को सुन करके आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे सतर्क हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।